हेलो भाई, यज्ञ शर्मा की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं ही बहुत बढ़िया हूं। तो गाइस, आज आप लोगों को अपने सामने Audi वर्सेस रेंज रोवर का कंपटीशन दिख रहा होगा, Q7 वर्सेस Velar का कंपटीशन दिख रहा होगा। Q7 की बात कर लें तो गाइस डीजल में है, और Velar की बात कर लें तो पेट्रोल में है। ज़्यादा देरी ना करते हुए इनकी पावर स्पेक्स की बात करते हैं। तो Q7 में आता है 3 लीटर का डीजल इंजन, जो कि निकालता है 250 BHP और 600 Nm का टॉर्क। 600 Nm का टॉर्क समझ रहे हो भाई आप? 600 Nm ऑफ टॉर्क। यही अगर मैं Velar की बात कर लूं तो Velar को भी कम मत समझना, लेकिन थोड़ी पावर में बेचारी कम है। 2 लीटर का इसमें इंजन आता है, जो कि निकालता है 247 BHP और 365 Nm का टॉर्क। पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल में टर्बो का कॉम्बिनेशन आपको Velar में देखने को मिल जाएगा। यही अगर मैं Audi की बात कर लूं तो डीजल इंजन है, क्वाट्रो है ये भी, और ये जो रेंज रोवर है ये भी भाई आपकी चारों पहिए इसकी जान लगाते हैं, तो ये भी ऑल व्हील ड्राइव है। दोनों गाड़ियां ऑल व्हील ड्राइव है, तो दोनों का कोई खास लॉन्च ऐसा नहीं होगा कि हम ट्रैक्शन ऑफ करके भी सोच रहे हैं कि भैया चू 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 मारती जा रही है। नहीं, सिंपल लॉन्च होएगा, लेकिन हाँ एग्रेसिवली देखना जाना चाहिए कि एग्रेसिव लॉन्च किसका होएगा। 600 Nm ऑफ टॉर्क Audi निकाल रही है, तो भाई बेहद सी बात है कि Audi का ही लॉन्च ज़्यादा खतरनाक होएगा। फिर भाई वो क्वाट्रो है, क्वाट्रो जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है कि हाँ भाई बहुत जानदार गाड़ी होती है। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। आज जर्मन वर्सेज एक तरीके से टाटा ग्रुप का ही है रेंज रोवर, तो अब लैंड रोवर तो इंडिया का ही कंपटीशन हो गया भाई। पहले के जमाने में इंग्लैंड के पास था, जब इन्होंने टेक ओवर कर लिया था टाटा मोटर्स ने, वो बात की बात है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के, देखते हैं क्या रिजल्ट्स रहते हैं क्या नहीं। हम गाड़ी के बाहर रहेंगे, ओनर चलाएंगे अपनी गाड़ियों को, देखेंगे कि भाई क्या रिजल्ट रहते हैं। तो हेलो गाइस, Velar वर्सेस Q7 एक शीशा ऊपर स्पोर्ट्स ट्रैक्शन कुछ ना कर दिया, स्पोर्ट्स ट्रैक्शन ऑफ है, ऑन ऑफ हो गया, ऑफ इतना था हमने भी ज्ञान को ने अपने दान ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ शीशा चढ़ा लो आप, ट्रैक्शन ऑफ ठीक है। लॉन्च बढ़िया होगी, लॉन्च भी हो पर एक छोटे के उस चक्रा में रह गया। चलाएंगे विक्रम भाई, क्या सेटिंग्स रख रहे हो भाई? स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक्शन ऑफ। स्पोर्ट्स मोड या कंफर्ट मोड? स्पोर्ट्स मोड। कंफर्ट लगा रहे तो? नहीं अभी लगाऊंगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और एसी ऑफ? एसी ऑफ। चलो भाई देखते हैं आज हमारी क्या करती है 2 लीटर। एक मिनट रुकना। तो भाई स्पोर्ट्स सेटिंग है, देख लो स्पोर्ट्स मोड है, एसी ऑफ, ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। हो गया हो गया हो गया, थोड़ा साइड हो जाइए। 3। अरे भाई ये भाई गई। अरे भाई, अरे भाई क्या आई है? अरे भाई, अरे भाई गोली गोली है भाई, वो तो 110 कितनी स्पीड से निकली, सिर्फ लॉन्च ही था, अगर ऐसे लॉन्च में क्या थे 100 150 150 भाई 3 लीटर डीजल, और जब पावर स्पीड सेम है, सेम है, ये पेट्रोल है। हां भाई Audi Audi है यार, 600 Nm टॉर्क क्वाट्रो। हां मजा आ गया, मौज बांधी मतलब यकीन नहीं था। मतलब अगर पावर स्पेक्स देखते हैं ना तो वो 3 लीटर है, ये 2 लीटर है, लेकिन उसमें 250 BHP है, ये भी 250 BHP है, लेकिन उसका लॉन्च एग्रेसिव है, डीजल का फर्क पड़ गया ना। पावर इसकी 201 है, उसकी 246 है। हाँ अच्छा, ये 201 है, उसकी भी 247 है, इसकी भी 247 है। हाँ 3000 cc का इंजन है इसमें। हाँ यहीं से कर लेते हैं फिर, यहीं से हाँ 3 ऑन का कर लेते हैं। ये काम करो ना, वहीं से कर लो ना, वहाँ एकदम ब्रेक एकदम मारने पड़ेंगे, पब्लिक खड़ी है। नहीं यहाँ तक मोड तक कर लेते हैं ना। चलो आगे सेम मोड, 3 ऑन कर लेते हैं, 3 ऑन हो जाएंगे, 3 ऑन ऑन ऑन, तीसरे ऑरन पे निकलेंगे। चलो ठीक है, वो बैठे भाई नहीं गए गए भाई, क्वाट्रो भाई एकदम भारी कितनी है भाई, वो तो कुछ अलग ही चीज है यार,
जबकि अग्रेसिव ज्यादा ये लगती है, एग्रेसिव शुरू में एग्रेसिव ये पिच मार रही है, हां फेंक के मतलब इसमें आ रहा है ये वाली, हां 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 बिल्कुल मेरे को ये लग रहा है यार इस हिसाब से तो वर्टस हरा देगी इसको। हां तो गाइस आप लोगों ने देखा कि हमने ड्रैग रेस करी है भाई, ड्रैग रेस में क्लियर विनर Q7 है भाई। इनिशियल में थोड़ी सी आगे निकलती है रेंज रोवर वेलार, क्योंकि भाई जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पेट्रोल का भाई फ़र्क पड़ता है। बाकी भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, करता हूँ मैं यहीं पर ही एंड। उम्मीद करता हूँ भाई आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।